सभी किसान भाइयों को, व्यूअर्स को हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में जो भी जुड़े हैं, मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफको किसान संचार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों एवं व्यूअर्स, हमारे ये जो फेसबुक लाइव सेशन का सीरीज है, आज हम अपने एक नए विषय की ओर बढ़ चले हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए व्यक्ति, एक नए एक्सपर्ट के साथ और कुछ नए ज्वलंतशील मुद्दों के साथ आज हम आपसे बातचीत करेंगे। मैं देख सकता हूं 25 से 30 लोगों से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और आज का जो विषय है वह एक ऐसा विषय है जो किसान भाई सोचता है कि हो सकता हो इसका कोई बहुत बड़ा महत्व ना हो, परंतु जब फसल कटाई की ओर किसान भाई बढ़ते हैं और उपज लेने की बात आती है वो कंफ्यूज होता है, वो दिशाहीन हो जाता है कि यदि मैंने पूरे फसल चक्र के दौरान, सीजन के दौरान मैंने सारी खाद लगाई, दवाइयां दी, मेरी उपज कम क्यों आ रही। ये एक ऐसी गुप्त क्रिया है, एक ऐसा गुप्त प्रॉब्लम है, हिडन प्रॉब्लम है, जो किसान भाई अधिकतर इसके विषय पर ध्यान न देने के कारण, इसको महत्व देने के कारण उपज में कमी आती है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य भूमि है, मुख्य टॉपिक है, वो है क्षारीय भूमि की सुधार प्रक्रिया, यानी सोडिक सॉइल जिसे हम कहते हैं, उसकी सुधार प्रक्रिया। क्षारीय भूमि जो होता है यह एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक सॉइल है जो हमारे मृदा के स्वास्थ्य को खराब तो करता ही, साथ में उसको बेजार एवं बंजर कर देता है। तो इसी विषय पे आज बात करने के लिए हमारे जो एग्री एक्सपर्ट हैं, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मैं आप सभी से करा देना चाहता हूं। जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं वह कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी से ताल्लुक रखते हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं, विगत 22-23 सालों से ICAR सिस्टम, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, कृषि यंत्र है, इससे जुड़े हुए हैं। अपने स्टूडेंट्स के बीच, अपने शिष्यों के बीच काफी प्रखर, काफी चर्चा में रहे हैं, कई समाज सेवी कार्यों से जुड़े हुए हैं तथा 5 से ज्यादा शोध पत्र, रिसर्च पेपर, बुक आर्टिकल्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स उन्होंने मृदा विज्ञान से संबंधित अपना योगदान दिया है। 20 से ज्यादा रेडियो शोज, 50 से भी ज्यादा लाइव शोज इन्होंने किया है और हमेशा किसानों के बीच मृदा विज्ञान से संबंधित अपनी सेवानिवृत्त करते आए हैं। तो आइए, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी किसान भाई हैं, पूरी ऊर्जा के साथ बहुमुखी, बहुप्रतिभावान व्यक्ति आज के हमारे एग्री एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज कुमार सिंह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, किसान भाइयों को भी हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारा जो आज का विषय है वो मैंने हमारे सारे जो लाइव व्यूअर्स है, किसान भाइयों हैं, उनको अवगत करा दिया है। मैं चाहता हूं हम अपने सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले आप इसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि दे दें, इसका इंट्रोडक्शन करा दें और बताएं कि आज किन मुख्य बिंदुओं पे आप आज हमसे बातचीत करने वाले हैं, हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शक करने वाले हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आप विषय से ही समझ रहे हैं कि क्षारीय ऊसर भूमि के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्षारीय ऊसर भूमि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रही है और जो हमारा खेती का मुख्य विषय है, जो हमारा खेती का जो एरिया है वो लगभग हमारे मेरे ख्याल से नेटवर्क का थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है डॉक्टर साहब, शायद आज क्षारीय ऊसर भूमि की पहचान के बारे में, इसके साथ ही साथ इसमें क्षारीय भूमि बनने के कारण कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसकी सुधार की प्रक्रिया क्या है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, इसमें कौन कौन सी सावधानियों की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ क्षारीय ऊसर भूमि के सुधार में मिट्टी का क्या योगदान है, माटी की जांच का क्या योगदान है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ सिंचाई और जल निकासी व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे,
इसका इसमें क्या महत्व है, और इसके साथ ही साथ क्या जो प्रजातियां हैं उनको हमको कौन कौन सा चयन करके हमको अपनी ऊसर छारी ऊसर भूमि का सुधार हम कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही सरल तरीके से सारी बिंदुओं को आपने एक संक्षिप्त रूप में बताया कि किस तरह से इन इन बिंदुओं पे आज हम प्रखर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, 30 से भी ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दया श्रीवास्तव, जायद अंसारी, सौरभ रक्षित, सचिन प्रताप तोमर जी, संदीप नायक, करण सोनी जी, डॉक्टर सुशील कुमार राय जी हैं, जितेंद्र शुक्ला जी हैं, हरीश चंद राजपूत हैं, मोनालिसा जी हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। उन्होंने सब लोगों ने अपना अभिवादन दिया है। हमारे इसी बीच कुछ हमारे टॉप व्यूअर्स हैं जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, इनमें से डॉक्टर सुशील कुमार राय हुए, करण सोनी जी हुए, दया श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस लाइव सेशन में प्रतिदिन जुड़ने का और योगदान देने का। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि धीमे धीमे प्रश्नों के भी बौछार लग जाएंगी, कई लोगों के प्रश्न भी आएंगे, तो समय सीमा को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट की ओर। मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो क्षारीय ऊसर मिट्टी है, ये आखिर है क्या और इसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी देखिए किसान भाइयों, क्षारीय ऊसर भूमि के बारे में आप जैसा कि आप सामान्य दशा में पहचान सकते हैं कि क्षारीय या लवणीय ऊसर भूमि वो भूमि है जिसमें सोडियम सॉल्ट की अधिकता हो और उसमें उत्पादन या तो न्यून हो गया हो या बिल्कुल ना के बराबर हो, इस तरह की भूमि जो होती है वो हमारी क्षारीय ऊसर भूमि होती है। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है और इसके साथ ही साथ 117 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो क्षारीयता से ग्रसित है। और इसमें से अगर हम अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5.5 लाख हेक्टेयर क्षारीय भूमि हमारे उत्तर प्रदेश में है। देखिए इन क्षेत्रों में जो भी हम कोई फसल उगाते हैं, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो रबी हो, चाहे वो हमारी पड़ती पड़ी हुई जमीन हो, तो हम इन भूमियों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो वो इस क्षारीय ऊसर भूमि है जिसमें किसान भाई धान का उत्पादन तो ले लेते हैं, लेकिन बिल्कुल जब उत्पादन होता है तो वो बिल्कुल ना के बराबर होता है और उस मिट्टी का पीएच मान 8.5 या 8.5 से ऊपर होता है। एक तो एक 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 प्रकार की भूमि ये हो गई। दूसरी भूमि वो होती है जिसमें किसान भाई धान और गेहूं दोनों उगाते हैं लेकिन उनको अपेक्षित उत्पादन नहीं मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, इसका भी पीएच मान 8.5 या 8.5 से ऊपर होता है। तीसरी प्रकार की भूमि को हम विभक्त कर सकते हैं जो कि बिल्कुल पड़ती पड़ी हुई है, जिसमें ऊपर फ्री सॉल्ट रे आ गया हो, वो भूमि है जिसमें कोई भी अनाज का एक दाना भी उत्पादन नहीं होता है। तो इन तीन श्रेणियों में हम अगर क्षारीय ऊसर भूमि को बांट लेते हैं तो इनका हमको आगे आने वाले उसमें हम समय 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 पर बात करेंगे कि इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। देखिए क्षारीय ऊसर भूमि की पहचान क्या होती है, क्षारीय ऊसर भूमि को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सीमेंट की तरह कड़ी होती है और उसकी जो जल धारण क्षमता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी मिट्टी की कैपिलरी है वो बिल्कुल चोक हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं और जल का जो भी बहाव है वो बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं जा पाता है। आप देखेंगे कि ऊसर भूमि में जहां कहीं भी अगर गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो वो भरा ही रहता है, वो नीचे लीच नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की भूमि से हम पहचान कर सकते हैं। और तीसरी जो पहचान है सबसे बड़ी कि हमारे जो ऊसर भूमि है, क्षारीय भूमि है, उसमें फ्री सॉल्ट यानी सफेद रेह ऊपर आ जाती है, उसको देखकर भी हम अपनी मिट्टी को पहचान सकते हैं कि हमारी जो भूमि है वो क्षारीय ऊसर भूमि हो गई है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया किस तरह से क्षारीय ऊसर भूमि की पहचान की जाए, क्योंकि किसान भाई मैं ये देखता हूँ अधिकतर दिशाहीन होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जो सफेद सफेद परत जम गई है, ये जो जल भराव मतलब नियमित जल भराव उनके खेतों में रहता है, इससे ये वाकिफ नहीं होता हो पाते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरीके की है। इसी बीच में देख रहा हूँ 20 से ज्यादा लोग लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित अजय कुमार दीक्षित, आशीष काले जी हैं, सबने अपना अभिवादन दिया है। डॉक्टर सुशील कुमार राय भी ये पूछ रहे हैं कि कैसे सुधारे बीमार मिट्टी की सेहत। डॉक्टर साहब जुड़े रहिए, हम आगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसी बीच अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले हम अपना पहला सवाल ले लेते हैं जो हमारे एक लाइव व्यूअर्स विजय लामा जी ने पूछा है।
उन्होंने पूछा है, हेलो गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम अलीपुर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग, ये दालसिंह पारा से बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ पे सुपर की सुपारी की खेती है, बीते 4 से 5 सालों में सुपारी की खेती नहीं हो रहा है। फूल भी खिलता है मगर फल नहीं लगता है। सालाना की इनकम बहुत घट गई है, इसका क्या कारण है ये कृपया बताएं। विजय लामा जी का ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि मनोज कुमार सिंह जी आपको इनका प्रश्न का मतलब समझ में आ गया हो। इनकी यहाँ सुपारी की खेती होती है, फूल लगते हैं परंतु इनको इनकम नहीं आते हैं, इनके सुपाड़ियां निकल नहीं पाती है, तो मृदा से संबंधित जो दिक्कतें हैं मैं चाहता हूं उनके बारे में आप हमारे व्यूअर विजय लामा जी को बता दें। जी डॉक्टर साहब। जी विजय लामा जी, आपका जो प्रश्न है उससे परिलक्षित हो रहा है कि आप जो सुपाड़ी की खेती करते हैं वहां पर आपको आवश्यकता है कि आपका उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, फूल झड़ जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारी मिट्टी है उसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। आप उस खेत की मिट्टी का नमूना निकालकर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में उसकी जांच करवाइए और जांच के परिणाम के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व आपकी मिट्टी में उपलब्ध हैं और कौन कौन से पोषक तत्व आपको कितनी मात्रा में प्रति हेक्टेयर की दर से आपको उसमें देने हैं। तो सबसे पहला काम ये करिए कि वहां पर आप अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवाइए और जाँच के परिणाम के आधार पर ही जो संतुलित उर्वरक हैं, जो पोषक तत्व हैं जिनकी कमी हो उसकी आप पूर्ति करके आप अपना उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि सुपारी के फूल जो आपके झड़ जाते हैं, हो सकता है कि वहां पर फूल झड़ने की जो समस्या है, हो सकता है कि वहां बोरान की कमी हो, तो ये भी आपको उसी से मृदा परीक्षण से आपको पता चल जाएगा और उसके आधार पर आप अपनी जो सुपारी की खेती है उसकी उन्नतशील खेती कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, विजय लामा जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। सुपाड़ी की खेती के बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे इफको किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें तथा हमारे पेज को फॉलो करते रहे समय समय पे ज्यादा अधिक जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब, सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अर्चिता जी हैं, ये पूछ रही है, क्षारीय भूमि में औषधीय पौधे लगा सकते हैं क्या, इस पर प्रकाश डालें। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं आप इस पर जरा सा हमारे व्यूअर के सवाल का जवाब दें। अर्चिता जी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ऊसर भूमि में कहीं ये नहीं कहा जाता कि हम केवल धान गेहूं की पैदावार ही करेंगे। औषधीय पौधों का ऊसर भूमि में बहुत बड़ा स्कोप है और आज का जो समय की मांग है वो औषधीय पौधों की खेती के लिए बहुत ही माकूल माहौल है और इसको करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो ऊसर भूमि, अर्चिता जी, ऊसर भूमि का हमको पहले सुधार प्रक्रिया को करने की आवश्यकता है। सुधार प्रक्रिया करने के बाद आपको औषधीय पौधे जैसे लेमन ग्रास, पामारोजा, खस, इनका चयन करके आप अपनी औषधीय पौधों की खेती को अच्छी प्रकार से कर सकती हैं और अपनी ऊसर मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेकर मुनाफा कमा सकती हैं। और औषधि पौधों का डिमांड आपके जो औषधियों में होता है, इसके साथ ही साथ सुगंधित तेलों में होता है, तो इसकी अगर आप अच्छी पैदावार करना चाहेंगी तो निश्चित रूप से आपके ऊसर के खेत में इन पौधों का विकास अच्छा होगा और ये इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं तो ये आपके खेत का सुधार भी करेंगी। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, अर्चिता जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। सवाल और भी है डॉक्टर साहब, लेकिन हमें अपने सेगमेंट की ओर भी बढ़ना है। किसान भाई, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ लाइव में जुड़े और अपने जो भी आपकी जानकारी है, कौतूहलता है, हमारे एक्सपर्ट से पूछे, उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। तो डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, करीबन 25 से 30 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे जी हैं, ये भी हमारे एक बहुत ही प्रखर और निरंतर हमारे साथ एक व्यूअर हैं, वो जुड़ते हैं, वो अपना अभिवादन दे रहे हैं। धन्यवाद मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं, ऊसर बनने के कारण उनकी सुधार कैसे की जाए, जितने भी ऊसर मिट्टी या ऊसर खेत बन चुकी हैं, और सुधार करने की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी। जी डॉक्टर साहब, देखिए, इस समय जो हमारा समय चल रहा है वो देख रहे हैं आप कि कोरोना के संक्रमण काल से भी ग्रसित हम लोग हैं, तो हमारा जो प्रवासी श्रमिक है वो जो महानगरों से वापस लौट रहा है, तो जो उसके पास उसके परिवार में जो जोत है वो भी बढ़ चुकी है,
और उसके हो सकता है कि जो वो लौट रहा है उसके पास ऊसर भूमि उसके हिस्से में आई हो, तो उसको इसकी आवश्यकता है कि हमको अच्छे खेतों के साथ साथ अपनी जो ऊसर और बंजर खेत हमारे हैं उसमें भी अच्छा से अच्छा उत्पादन लेकर हम अपनी आय को बढ़ाएं और अपनी जो आय वृद्धि करेंगे, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, ऊसर जो क्षारी ऊसर भूमि है उसकी पहचान क्या है वो तो उस पर बात हो चुकी। अब ऊसर क्षारी ऊसर भूमि बनने के कारण कौन कौन से हैं, इस पर अगर यदि हम बात करते हैं तो आप पहला बिंदु ये आएगा कि कम वर्षा तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर जल जमाव होने के साथ ही साथ लवण हमारी भूमि के ऊपर आ जाते हैं, वो हमारी मिट्टी जो है क्षारी ऊसर भूमि हो जाती है। दूसरी इसकी सबसे बड़े बनने का कारण है कि सुनिश्चित जल निकास की व्यवस्था न होना। देखिए, ऊसर बनता भी पानी की कमी से है और पानी की अधिकता से हमारा, दोनों कारणों से हमारा ऊसर बनता है और सुधरता भी, हमारा खेत जो है वो पानी की सुनिश्चित व्यवस्था से ही सुधरता भी है। तीसरा इसका बहुत बड़ा कारण है कि भूमि के नीचे सीमेंट जैसी कड़ी परत जम जाती है, जिसके कारण यदि हम कोई भी पौधे या कोई रोपाई हम वहां पर करते हैं तो हमारी जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके जो जड़े हैं वो नीचे नहीं जा पाती हैं। सीमेंट की तरह हमारी भूमि जो कड़ी है वहां पर वो हमारी पौधों को गला देती है और वहां पर कोई उत्पादन हम नहीं ले पाते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। चौथा कारण ये है कि जहां पर, जिन क्षेत्रों में हम नहरों से अधिक सिंचाई कर रहे हैं, नहरों की सुविधा, नहरों का जाल बिछा हुआ है और नहरी पानी से यदि हम सिंचाई ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पर कई क्षेत्रों से ऊसर ऊसर से होते हुए जो हमारे नहर का पानी आ रहा है वो हमारी अच्छी भूमि को भी धीरे धीरे ऊसर बना रहा है। तो नहरी नहरी जल से हमको सिंचाई कम करनी चाहिए, एक सबसे बड़ा उसका कारण ये भी है। और इसका एक पांचवा जो कारण है वो लगातार हम लोग एक ही गहराई तक जुताई जो करते हैं उसके कारण भी हमारी जो क्षारी ऊसर भूमि है वो बनने लगती है। तो हमको बदल बदल के उसके गहराई के आधार पर अपने खेतों की जुताई करनी चाहिए, जिससे कि हमारा खेत ऊसर बंजर बनने से रुके। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो हम लगातार वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते चले जा रहे हैं, अपनी भूमि को खुला छोड़ दे रहे हैं, जो सीधे सूरज की किरणों से हमारी धरती माता सीधे टकरा रही है और वो जो उसमें नमी बिल्कुल गायब होती जा रही है और सॉल्ट ऊपर होते चले जा रहे हैं, तो हमको वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हरित क्रांति के बाद हमने रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया और हमको पता नहीं है, हम उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमारी माटी को कितनी भूख है, कितनी मात्रा में किस उर्वरक की मात्रा हमको देनी है। जो हम अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण भी हमारी क्षारी ऊसर भूमि बनने की ओर अग्रसर है। देखिए, और एक इसका महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि लगातार हमने अगर अपनी भूमि पर कोई खेती नहीं करी है, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो रबी हो, चाहे वो जायद हो, उसको हमने पड़ती छोड़ दिया है, तो वो भूमि भी हमारी धीरे धीरे क्षारी बनना शुरू हो जाती है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे प्रकाश डाली है। जैसा कि आपने कहा कि आजादी के बाद एवं ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद, जो अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया है किसान भाइयों ने, इसमें ये प्रखर कारण रहा है मृदा की उसरता को या फिर ये क्षारीयता को बनने के लिए। ऊपर से जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है, ये तो एक बहुत गंभीर समस्या रही है। डॉक्टर साहब, अन्य सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ, हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर मनोज पांडे जी, जो हमारे एक टॉप के व्यूअर है, हर दिन हमसे जुड़ते हैं, उत्तराखंड से ये अपना ताल्लुक रखते हैं। वह ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड की भूमि में क्या क्या व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी मनोज पांडे जी, आपका जो प्रश्न है बड़ा ही सामयिक है। उत्तराखंड हमारा जो है औषधियों से भरा हुआ क्षेत्र है, वहां पर आप औषधि पौधों की खेती कर सकते हैं, फलदार वृक्षों की खेती कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो हमारा धान गेहूं है उसका भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा औषधि पौधों के साथ साथ फलदार
वृक्षों की खेती करनी चाहिए, जिससे कि आपका अच्छा आय भी हो सकती है और उनके जो पोषक तत्व हैं उनको भी आपको रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा आपको जैविक विधि से इसको अपनाने की आवश्यकता है। जैविक विधि में चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे नेडप कंपोस्ट हो, चाहे हमारे जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है, इनका प्रयोग करके आप ज्यादा से ज्यादा सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी उत्तराखंड की भूमि में अनेक अनेक प्रकार के जो रासायनिक वो खनिज हैं वो उपलब्ध हैं और आपकी उर्वरा शक्ति भी बहुत अच्छी है आपके खेतों की, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, जी डॉक्टर साहब मनोज पांडे जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। हमारे साथ जुड़े रहें आगे के सेगमेंट के लिए। डॉक्टर साहब हमारे कई व्यूअर्स हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं लूंगा, कई लोग जानना चाहते हैं कि ऊसर भूमि की सुधार के लिए, क्षारीय भूमि की सुधार के लिए कौन कौन से पौधे या फिर वृक्ष हैं जिनका वृक्षारोपण किया जा सकता है कि नेचुरल तरीके से मिट्टी की क्षारीयता कम हो सके। जी डॉक्टर साहब जरा इस पे जरा सा प्रकाश डालें। देखिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हम जो रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग करके अपनी मिट्टी को सुधारते हैं उसके साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं उनको यदि हम लगाते हैं, तो पेड़ पौधों में आपके फलदार वृक्ष हैं, फलदार वृक्षों में आप बेर लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, इनकी बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां उपलब्ध हैं। और इसके साथ ही साथ आप बेर, आंवला, अमरूद को लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा ऊसर भूमि में, क्षारी ऊसर भूमि में उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए CISH लखनऊ की कई प्रजातियां हैं, आप वहां से ले सकते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने कई प्रजातियां विकसित की हैं, वहां से आप इनको मंगा सकते हैं। इन प्रजातियों का प्रयोग करके आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि वहां पर भी आपको जो सुधार की प्रक्रिया है वो करने की आवश्यकता है। वहां पर दूसरे प्रकार की सुधार की प्रक्रिया है कि आप जो गड्ढे बनाएंगे वो गड्ढे आपके गहरे होने चाहिए, उसमें समुचित कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो मृदा सुधारक है वो जिप्सम का भी प्रयोग आपको उन गड्ढों में करने की आवश्यकता है, और जो भी पौधा आप ला रहे हैं वो कलमी पौधा हो और उसके बाद गड्ढों की भराई पूरी अच्छी प्रकार से, जो सड़ी हुई खाद है, जिप्सम है और बालू है, और इसके साथ साथ दीमक बहुत लगती है तो दीमक की भी आपको व्यवस्था करने की आवश्यकता है। क्लोरोपाइरिफास का प्रयोग कर ले, उसके बाद गड्ढे की भराई करने के बाद जो आप कलमी पौधे लाए हैं उसमें आप लगाकर निश्चित रूप से आप फलदार वृक्षों से आप अपना क्षारी ऊसर भूमि का सुधार कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए फलों का बहुत अच्छा योगदान है, फल हमारे जो मनुष्य जब उसका सेवन सेवन करता है तो उसको नाना प्रकार के पोषक तत्वों को मिलता है और हमारे शरीर का विकास भी अच्छा होता है। जी सिद्धार्थ जी, जी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये कई व्यूअर्स का सवाल था और आपने जो है बड़े ही सरलता से कई बातों का आपने इसमें प्रकाश डाले कि कौन कौन से मुख्य ये फलदार वृक्ष हैं जिनकी खेती करके ऊसर भूमि की सुधार की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कौन से पौधे की खेती करनी चाहिए, हमारे ये ब्रिजेंद्र सोलंकी जी है ये पूछ रहे हैं। तो ब्रिजेंद्र जी हम इस पे आपका जो विषय है, आपका जो डाउट है, इसके विषय पे भी आए हैं, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आपने अंत में एक ऐसा पॉइंट कहा जो थोड़ा सा इग्निशन दे गया है, जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो मृदा सुधारक हैं, जो सॉयल रेक्लेमेशन हम करते हैं, मुख्य ऊसर और क्षारीय भूमि के लिए कौन कौन से मुख्य मृदा सुधारक हैं जो किसान भाई अपना सकते हैं और सरल तरीके से अपनी मिट्टी की सुधार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए सबसे अच्छा जो मृदा सुधारक है वो जिप्सम है, और जिप्सम के पर्याप्त भंडार हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो हमारे किसानों के लिए अनुदान पर जिप्सम की व्यवस्था करता है। और जो एक बोरी राजस्थान से चलती है 50 किलो की, तो वो कम से कम 200 280 से 300 रुपए की पड़ती है,
लेकिन हमारी सरकार उस पर 90% अनुदान देकर कृषकों को उपलब्ध कराती है। और जिप्सम जो है मृदा सुधारक, उसमें कैल्शियम और सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो एक तो ये जिप्सम हमारे लिए मृदा सुधारक बहुत अच्छी है। इसके साथ ही साथ जो इफ्को है, इफ्को ने फॉस्फो जिप्सम बनाई है, वो बहुत लाभदायक कारगर सिद्ध होती है, उसको किसान भाई यूज कर सकते हैं। तीसरा जो जलकुंभी है, जिसको कि हम तालाबों में हमारे उगती है, जिसको कि हम निकाल कर फेंक देते हैं, उसको यदि हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो वो भी एक मृदा सुधारक का बहुत अच्छा कार्य करती है और हमको फ्री में हमारी जो क्षारीय ऊसर भूमि है उसका सुधार कर देती है। धान का जो पुआल है, यदि हम उसको खेत में मजबूत मेड़बंदी करके और उसको खेत में बिखेर कर पानी भर के सड़ा देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मृदा सुधारक का कार्य है वो धान का पुआल भी करता है और इससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और जो हमारा जीवांश कार्बन धीरे धीरे घटकर 0.4% पर आ गया है उसको भी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान धान के पुआल का है। तो धान के पुआल को प्रयोग कर सकते हैं, जलकुंभी को प्रयोग कर सकते हैं, मृदा सुधारक जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, फॉस्फो जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए जो हमारे गन्ने की फैक्ट्रियां हैं, जो गन्ना पिराई जहां होती है वहां पर प्रेसमेंट निकलता है, जो गन्ने का वेस्ट है, उसको यदि हम अपने खेतों में मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मृदा का सुधार है वो हो सकता है और अच्छी प्रकार से हो सकता है। जी जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, गन्ने का वेस्ट, जलकुंभी, धान का पुआल, ये ऐसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसान भाइयों को खेत में ही प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि आजकल एक बड़ी ही रोचक चर्चा चल रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, हमारे कृषि मंत्री जी भी इस बिंदु पे बहुत ही ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि ऑन फार्म रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं खेतों में ही जो चीजें पाई जाती हैं, किसान भाई उसका प्रयोग करके किस तरह से अपनी सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और तथा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, अनिल पाटीदार जी हैं, आगे बढ़ने से पहले उनका एक सवाल है, मैं ये चाहता हूं कि आप बता दें, क्या फॉस्फोरिक एसिड से भी पीएच कम कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, फॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग आप कर सकते हैं लेकिन ये बड़ा कॉस्टली पड़ेगा, इसका आप प्रयोग ना ही करें खेत में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपके खेत का सुधार के साथ साथ यदि आपने इसकी संतुलित मात्रा प्रयोग नहीं करी तो आपके खेत को ये लवण युक्त भी बना सकता है, इसमें लवणता पैदा कर सकता है, तो इसका प्रयोग आप कम करें। जो अन्य मृदा सुधारक हैं, चाहे वो जिप्सम हो, चाहे फॉस्फो जिप्सम हो, चाहे जलकुंभी हो, पुआल हो, इनका प्रयोग आप अपने खेतों में अधिक से अधिक करें तो निश्चित रूप से आपको कम खर्च में अधिक लाभ मिलेगा। जी सिद्धार्थ जी। अनिल पाटीदार जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। दया श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुशील कुमार राय जी भी, आप ये जो हमारे सेगमेंट के पहले यही जानना चाहते थे कि ऊसर भूमि सुधार की आसान विधियां अपने हेतु किसान भाई कैसे करें, तो आशा करते हैं दया जी एवं डॉक्टर साहब, ये जो सेगमेंट हमने इससे पहले कवर किया ऊसर भूमि के कौन कौन से मृदा सुधारक है, इससे आपको आपके प्रश्न के जवाब मिल गए होंगे। बढ़ते अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। डॉक्टर साहब, मैं बता देना चाहता हूं 25 से ज्यादा लोग लाइव हमारे इस समय जुड़े हुए हैं, क्यूरियोसिटी, कौतूहलता लोगों की बढ़ती जा रही है, कई लोग अब आपको अभिवादन भी दे रहे हैं, तो जल्दी बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है ऊसर या क्षारीय भूमि में जल प्रबंधन एवं जल निकासी का कितना बड़ा महत्व है, मैं ये चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी डॉक्टर साहब। देखिए किसान भाइयों, जो ऊसर की हमारी सुधार प्रक्रिया है, सुधार प्रक्रिया हमारी चरणबद्ध, समयबद्ध और क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो इन तीन चीजों का यदि हम अपने क्षारीय ऊसर भूमि के सुधार में विशेष सावधानी रखते हैं और तब हम अपने क्षेत्र का, अपने खेत का अच्छी प्रकार से सुधार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम यह है कि हमको अगर अपने क्षारीय ऊसर भूमि का सुधार करना है तो बरसात के समय सितंबर अक्टूबर में या फरवरी तक हमको अपने खेत की मजबूत मेड़बंदी कर लेनी चाहिए और खेत को जोतकर बिल्कुल समतल बना देना चाहिए। समतलीकरण का हमारे क्षारीय ऊसर भूमि के सुधार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
क्योंकि जितना अच्छा हम खेत को समतल करेंगे उतना अच्छा हमारा क्षारीय ऊसर भूमि का सुधार होगा। और समतलीकरण ऐसा होना चाहिए जैसा कि आपके घर में टेबल होती है, मेज होती है, उसका जो ऊपरी टॉप होता है उस तरीके से यदि हमने अपने खेत की जुताई कल्टीवेटर से कर कर और एक बार उसमें हमने अगर पानी भर लिया और पानी भर के हमने देख सकते हैं अपनी आंखों से कि उसमें कहां पर ऊंचा है, कहां पर खाला है, तो उसको पुनः हम कल्टीवेटर की सहायता से जोत कर अच्छी प्रकार से समतल कर लें। तो समतलीकरण का बहुत विशेष महत्व है। इसके साथ ही साथ जब आप मेड़बंदी कर रहे हैं तो दो खेतों के मेड़ के बीच में जो जल निकासी नाली बनाने की आवश्यकता है वो दो खेतों के बीच में यदि हमने फाड़ दिया तो वो जल निकासी हमारी खेत की नाली बड़ी आसानी से बन जाएगी, उसको हमको बिना अतिरिक्त खर्च के बन सकती है, तो वो जल निकासी नाली बनाने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर सुधार प्रक्रिया में विशेष सावधानी ये रखने की आवश्यकता है कि उस खेत नाली का पानी किसी दूसरे के खेत में हम मृदा सुधारक प्रयोग करने के बाद काट के न निकालें, उसका उसके साथ साथ उस नाली का संपर्क नाली से उसका जोड़ होना चाहिए और संपर्क नाली को सीधे ले जाकर मुख्य नाला या मुख्य नदियां जो हमारी हों उसमें ले जाकर उसको मिला देना चाहिए। क्योंकि यदि आपने मृदा सुधारक का प्रयोग अपने खेत में किया और दूसरे के खेत में यदि उसको काट कर निकाल दिया तो दूसरे का खेत ऊसर बंजर आपने बना दिया, तो वहां पर एक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जल निकासी की नाली की बहुत उस क्षारीय ऊसर भूमि सुधार में बहुत महत्ता है। और इसके साथ ही साथ देखिए सिंचाई नाली का भी अपना एक विशेष योगदान है, क्योंकि मैंने अपने पूर्व उसमें बताया कि आपका जो ऊसर भूमि है, क्षारीय ऊसर भूमि है, वो पानी की कमी से बनती भी है और पानी से ही सुधरती भी है। तो जिस खेत का हम सुधार करने जा रहे हैं वहां पर उस खेत में सुनिश्चित बोरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और बोरिंग की जो दूरी है वो कम से कम एक बोरिंग से दूसरी बोरिंग की दूरी 200 मीटर अवश्य रखें, क्योंकि जो आगे आने वाला हमारा समय है यदि हमने जगह जगह बोरिंग करा ली, इस मानक का ध्यान नहीं रखा, तो आगे आने वाला समय जो हमारा पानी की कमी से जूझेगा और अगला विश्व युद्ध कहीं पानी के लिए ना हो तो 200 मीटर के मानक का जरूर ध्यान दें, क्योंकि जब एक बोरिंग चलती है तो वो 200 मीटर के नीचे क्षेत्र में वो हलचल करती है, तो इस मानक का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके आधार पर ही आप बोरिंग करवाएं और वहां से पानी का दोहन करें। पानी हमको बचाना भी है और पानी का हमको समुचित प्रयोग भी करना है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ही अच्छी बात कही कि पानी को बचाना भी है और उसका समुचित जो है प्रयोग भी करना है, क्योंकि ऊसर भूमि एक ऐसी चीज है जो पानी से ही बनती है तथा पानी से ही सुधरती है। इसी बीच में दया श्रीवास्तव जी हैं, ये भी हमारे काफी मतलब व्यूअर हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, और उन्होंने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाई है। मैं चाहता हूँ तुरंत संक्षिप्त रूप से आप इसको भी थोड़ा सा कवर करें कि जो मृदा स्वास्थ्य का कार्ड है, सॉयल हेल्थ कार्ड या सॉयल टेस्टिंग, किसान भाई अभी भी इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक विश्वास की जो है गैप, ट्रस्ट का एक जो जिसको बोलते हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट, किसानों के मन में अभी भी है कि मैं क्यों कराऊं अपनी मृदा की जांच, मिट्टी की जांच क्यों कराऊं, क्या फायदा है, क्या पता हमें सबको तो रिजल्ट एक ही मिलता है। तो ये जो सॉयल टेस्टिंग के ऊपर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कैसे कम की जा सके, ट्रस्ट बढ़े किसानों का सरकार के ऊपर, और मृदा जांच की कितनी महत्वता है खेती के लिए, क्योंकि आने वाले समय में खरीफ की अभी धान की बुआई होने वाली है, जरा इस पे जरा सा अपनी प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। देखिए दया जी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हमारा जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी का फोकस हमारे किसान भाइयों को, हर किसान के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए, इस पर निरंतर प्रयास चल रहे हैं। इसमें कई एजेंसियां लगी हैं, राज्य सरकार की जो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं वो कार्य कर रही हैं, इसके साथ साथ जो जनपद में आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी इस पर कार्य कर रहे हैं लगातार, और इसके साथ ही साथ जो इफ्को आपकी सहकारी संस्था है वो भी मृदा परीक्षण के क्षेत्र में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
ये भी सभी लोग का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक किसानों की खेत की मिट्टी का नमूना कटाई के तुरंत बाद ले लिया जाए और जो आगामी बुआई है उस तक उसको परिणाम दिया जाए, जिससे कि वो अपने खेत की मिट्टी के बारे में जान सके कि उसकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व तो हैं और कितनी मात्रा में देने हैं। क्योंकि सरकार का भी ये उद्देश्य है और हम सभी वैज्ञानिकों का सभी का उद्देश्य यह है कि किसान की जो बढ़ती हुई खेती की लागत है उसको कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसान लागत तो लगा देता है लेकिन उसको अपना उपज का मूल्य सही नहीं प्राप्त हो पाता है, तो वहां पर लागत घटाने में मृदा परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। इसमें हमको जागरूकता जो किसानों की है वो थोड़ी कमी है। वो किसान भाइयों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से यदि हमारे घर का कोई सदस्य बीमार होता है तो हम उसका डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जिसमें कि कोई भी जांच लिखता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी प्रयोगशाला में जाकर उसका जो भी जांच लिखी है उसका हम परिणाम लें, चाहे उसमें कितना भी पैसा लग जाए। वो उसको प्रयास करता है कि अच्छी से अच्छी प्रयोगशाला में हम जांच करवाएं। तो हमारा जब जबकि हमारी धरती माता जो हमारा सबका पेट पाल रही है, हमारा सबका पोषण कर रही है, उससे हम केवल निरंतर दोहन कर रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि हम दोहन के साथ साथ उसको कौन कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा में आवश्यकता है उसको हम दें, तभी हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी। और जो हमारी जो हम हाइब्रिड बीज ला रहे हैं, चाहे जो भी उन्नतशील बीज ला रहे हैं, जो उनकी उत्पादन क्षमता है वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा परिणाम ये भी है कि हम अपनी मिट्टी के बारे में नहीं जान रहे हैं और उसके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मृदा सॉयल हेल्थ कार्ड का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जहां तक दया जी का प्रश्न है कि विश्वसनीयता तभी होगी जब हम टारगेट बेस्ड मृदा परीक्षण नहीं करेंगे। जो हमारे किसान को आवश्यकता है उसमें हम मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को लगातार बढ़ाएं। इसमें सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से मृदा परीक्षण के प्रशिक्षण, जो हमारे रूरल यूथ हैं, जो ग्रामीण युवा हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया है। उसके बाद वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपनी गांव में ही मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करें और वहीं किसान को तुरंत उसका परिणाम मृदा नमूना लें उसके सामने और नमूना लेने की तकनीक को बताएं कि किस प्रकार से जो नमूना लिया जाए जिससे कि हमारा अच्छा से अच्छा परिणाम प्राप्त हो, तभी हम उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव ला सकते हैं। तो रूरल यूथ का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उसमें उनको जुड़ने की आवश्यकता है और तभी हम जब हमारा परिणाम सही मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान भाई जुड़ेंगे और उनको समय से परिणाम मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने खेतों की जांच करवाएंगे। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, बड़े विविध तरीके से आपने बताया कि किस तरह से टारगेट बेस्ड अप्रोच न करके स्पेसिफिक मतलब खेत खेत से जुड़ा हुआ किसानों की जरूरत के अनुसार ये मृदा प्रशिक्षण करना चाहिए और किस तरह से एसकाई, जिसका आपने नाम दिया एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो हमारे युवक हैं, ग्रामीण युवक हैं, इनको प्रशिक्षण देके तुरंत हमारे ये युवक रोजगार भी, आय सृजन भी कर सकते हैं तथा किसानों की भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले हमारे एक नए व्यूअर हैं कुमार मंजीत राठौर, वह पूछना चाहते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मतलब सवाल है डॉक्टर साहब, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर भूजल ही खारा हो तो मुझे क्या करना होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं इसका जवाब आप दें और अन्य किसानों को भी मार्गदर्शक करें। जी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि यदि हमारा भूजल खारा है तो देखिए, हम उस पानी से यदि सिंचाई करते हैं या उस पानी से हम सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो मिट्टी है वो सुधार नहीं होगी उसकी सुधार प्रक्रिया, और हमारी मिट्टी और खराब हो जाएगी। तो यदि वहां पर दूसरी जगह पर अगर अच्छी बोरिंग हो सकती है, अच्छा पानी मिल रहा हो तो वो करवाएं। नहीं मिल रहा है, यदि खारा ही पानी उस क्षेत्र में पूरा उपलब्ध है तो वहां पर इनको आवश्यकता है कि पहले उससे डायरेक्ट हम सिंचाई न करें, क्योंकि वहां पर एक टैंक बनाएं जिसमें कि हम मृदा सुधारक जिप्सम को भर दें और
जो बोरिंग का पाइप है डिलीवरी पॉइंट, वहां पर उसको गिराएं और उस पानी को जब जिप्सम से वो हमारा रिक्लेम हो जाए तो उसके बाद उसको पाइप की सहायता से, जो प्लास्टिक के पाइप है उनकी सहायता से अपने खेतों में सिंचाई करें और उसका जो है हम मृदा सुधार में भी उसी पानी का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से हम क्षारीयता से बहुत हद तक लगाम कस सकते हैं और अपने खेतों को क्षारीय बनने से रोक सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं कुमार मंजीत राठौड़ जी, जो डॉक्टर साहब ने कितना ही सरल तरीका बताया और कहा कि अगर आप जिप्सम को ही अगर एक टैंक बना लें तो उससे जो ट्रीटेड वाटर होगा, रिक्लेम्ड वाटर होगा, वो आप प्रयाग मतलब अपने खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बिंदु पे और हमारे किसान भाइयों को जरा मार्गदर्शक करें, जो हरी खादें हैं, ग्रीन फॉडर या ग्रीन क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, उनका भी काफी हद तक योगदान रहा है ऊसर मिट्टी, क्षारीय मिट्टियों का सुधार करने में। तो जरा सा उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें और हमारे किसान भाइयों को बताएं कि हरी जो फसलें हैं, हरी खाद हैं, इनका क्या मुख्य रूप से आवश्यकताएं पड़ती है ऊसर या क्षारीय मिट्टी को सुधार करने। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी, देखिए किसान भाइयों, जो हरी खाद है उसका हमारी, चाहे वो सामान्य भूमि हो चाहे क्षारीय भूमि हो, दोनों में ही बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमने लगातार अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया है उसके कारण हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और मिट्टी का जो जीवांश कार्बन है वो धीरे धीरे घट रहा है और घट के वो 4% पर आ गया है। यदि वो धीरे धीरे घटकर, आप ऐसे अंदाजा लगाएं कि यदि ये धीरे धीरे घटकर 0.0% पर आ गया जिस दिन जीवांश कार्बन, हमारी मिट्टी एक लाश के समान हो जाएगी, एक मृत शरीर के समान हो जाएगी। फिर हम उसमें चाहे जितना भी कंपोस्ट खाद डाल दें, चाहे कितना भी रासायनिक उर्वरक लाके डाल दें, हम अपनी मिट्टी को पुनः जीवित नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमको चेतने की आवश्यकता है। हरी खाद इसका एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। हरी खाद के रूप में हमारे पास कई फसलें हैं, जैसे कि आप सामान्य भूमि में उर्द, मूंग और लोबिया की खेती करते हैं, तो वहां पर किसान भाई यदि जितनी उर्द, मूंग और लोबिया की तुड़ाई करनी है उस तुड़ाई को पूर्ण कर लें और पूर्ण करने के बाद उसको पाटा लगाकर अपने खेत में गिरा दें और गिराने के बाद कल्टीवेटर की सहायता से उसको खेत में जोतकर मिला दें और पानी भरकर अगर उसको सड़ा देते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की प्रतिशतता को बढ़ाएगी और हरी खाद के रूप में जो हमारा नाइट्रोजन वायुमंडल में बेकार चला जाता था वो हमारे खेत को देगा, तो हमारी मिट्टी निश्चित रूप से स्वस्थ होगी और अच्छा उत्पादन देगी। इसके साथ ही साथ देखिए क्षारी ऊसर भूमि में हरी खाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए ढैंचा एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ढैंचा एक रामबाण है, अमृत के समान हमारी क्षारी ऊसर भूमि में काम करता है। जैसे आप रबी के खरीफ के बाद जायद में अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं तो उसको खाली कतई न छोड़ें, वहां पर आप हरी खाद के रूप में ढैंचा की बुआई 25 से 30 मई के बीच में कर दीजिए और करने के बाद 40 से 45 दिन तक अपने खेत में खड़ा रखिए और खड़ा रखने के बाद उसको पाटा लगाकर गिराकर उसमें कल्टीवेटर की सहायता से जोतकर और उसको सड़ाने के लिए, उसके चूंकि डंठल होते हैं उसको सड़ाने के लिए यदि आप 4 से 5 किलोग्राम की दर से यूरिया का उसमें छिड़काव कर देते हैं और पानी भर देते हैं तो वो आपके खेत में अच्छी प्रकार से सड़ जाएगा और हरी खाद के रूप में उस हमारी जो मिट्टी है उसकी संरचना को सुधारेगा और हमारी जो मिट्टी है वो, आप ऊसर मिट्टी का प्रकृति होती है कि वो सीमेंट की तरह कड़ी होती है लेकिन वो वहां पर आप देखेंगे कि वो एकदम पोली हो जाएगी और उसमें जो उसके रंध्रावकाश है वो खुल जाएंगे, उसकी जलधारण क्षमता बढ़ जाएगी। तो हरी खाद का बहुत ही हमारी इन भूमियों में प्रयोग है, इसका प्रयोग हमको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही मुख्य बिंदु पे चर्चा की और विविध रूप से आपने बताया कि हरी खाद का कितना बड़ा महत्व है ऊसर भूमि को सुधारने में। इसी बीच शक्ति सिंह डांगी ठाकुर हमारे जुड़ गए हैं, ये भी हमारे काफी प्रबल व्यूअर है, प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं। शक्ति जी, आज हम
थोड़ा सा लेट आप जो है हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम क्षारीय एवं ऊसर भूमि सोडिक सॉइल के उद्धार की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि सवाल तो और भी काफी हैं, लोगों की कौतूहलता बनी रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े और जो भी आपके प्रश्न हैं हमारे इस लाइव सेशन में कमेंट करके पूछे। हालांकि हम सारे प्रश्नों का जवाब तो हमारे एक्सपर्ट, क्योंकि एक समय सीमा के आधार पर हमें चलना है, कुछ लिमिटेशन से नहीं दे पाएंगे, परंतु आपके जो भी सवाल हो आप ज्यादा से ज्यादा पूछें और 24 घंटे के अंदर हम उसका निरंतर जवाब आपको पहुंचाएं। तो डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर। मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शक करें कि यदि सुचारू रूप से क्षारीय ऊसर भूमि का प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, तो किसानों के आय में कितनी वृद्धि हो सकती है और साल भर में उसकी इनकम में बढ़ोतरी कितनी होगी। जी डॉक्टर साहब, देखिए, जो सुधार प्रक्रिया है उसको अगर हम निश्चित रूप से समयबद्ध, क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से हम उसको करते हैं, और जो हमारी लवण अवरोधी प्रजातियां हैं जो केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, चाहे वो धान की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो सरसों की हो, चना की हो, इसके साथ साथ चाहे वो औषधि पौधों की हो, चाहे फलदार वृक्षों की हो, उन लवण अवरोधी प्रजातियों का यदि हम अपने खेतों में करते हैं, ऊसर खेतों में, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी 1.5 से 2 गुनी बढ़ेगी। जो आपके खेत बिल्कुल बेकार पड़े हुए थे, उसमें आप अनाज का उत्पादन करने लगे, उसमें आप फलदार वृक्षों से फल प्राप्त करने लगे, या औषधि पौधों की खेती करके आप औषधि पौधे विकसित कर लिए, तो निश्चित रूप से आपकी इनकम 1.5 से 2 गुनी बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन वहां पर जो लवण अवरोधी प्रजातियां हैं, जैसे धान में है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की हुई प्रजातियां हैं, कुछ उनका प्रयोग करिए। जैसे धान में CSR 36 है, CSR 43 है, CSR 46 है, और इसके साथ ही साथ देखिए ऊसर भूमि में सुगंधित बासमती धान के लिए भी उन्होंने प्रजाति विकसित की है, जो कि CSR 30 के नाम से जानी जाती है। उसको भी यदि आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो क्षारीय ऊसर भूमि है वो अच्छी प्रकार से सुधरेगी। इसी प्रकार से गेहूं की लवण अवरोधी प्रजातियां हैं, KRL 210, KRL 213, KRL 1-4। इसके साथ ही साथ आप यदि इन प्रजातियों का प्रयोग करते हैं गेहूं में, तो निश्चित रूप से जो आपकी क्षारीय ऊसर भूमि में गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता है, वो आप अच्छा उत्पादन लेकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने सरसों की कुछ प्रजातियां विकसित की हैं, जबकि ऊसर भूमि में हम सरसों की परिकल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन CS 58, CS 52, CS 56, इन प्रजातियों का यदि हम अपने ऊसर भूमि में प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो पैदावार है वो अच्छी होगी। और लवण अवरोधी प्रजातियां होने के साथ साथ ये हमारी मिट्टी में सुधार प्रक्रिया का भी कार्य करती हैं, तो इन प्रजातियों का आप चयन करें। इसके साथ ही साथ देखिए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान का जो लखनऊ का क्षेत्रीय संस्थान है, उसने हेलो PSB, हेलो एजो, इनके नाम से उन्होंने तैयार किए हैं, उनका प्रयोग आप जो भी फसल लगाने जा रहे हैं उसमें, चाहे सीड उपचार हो, सीड ट्रीटमेंट करना हो, चाहे पौध उपचार हो, उससे अगर आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपकी क्षारीय ऊसर भूमि है उसका सुधार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसको आप जरूर अपनाएं, इसको आप कहीं भी अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मांग सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र आपको उपलब्ध कराएगा, आप उनसे लेकर इनका भी प्रयोग अपने खेतों में निश्चित रूप से करें, तो आपकी क्षारीय ऊसर भूमि का सुधार होगा और आप अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने ये जो हमारे आखिरी जो सेगमेंट है, कई प्रजातियों की आपने व्याख्यान की, क्योंकि प्रजातियां कुछ ऐसी चीज है, वैरायटल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, वैरायटियों का सिलेक्शन, ये ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक विषय है जो किसान भाई अधिकतर कंफ्यूज रहता है, दिशाहीन रहता है। तो अच्छी गुणवत्ता युक्त किस्मों का चयन करके आय में किस तरह से वृद्धि हो सकती है, जो कि सोडिक सॉइल रेजिस्टेंस जिसने आपने बात की, क्षारीय मिट्टी के प्रति अवरोधन है वो, उसमें उनकी गुणवत्ता भी आती है और साथ साथ उपज भी आती है। डॉक्टर साहब, आज आपने कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की, ऊसर भूमि क्षारीय भूमि होती क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, कौन कौन सी तकनीकें हैं जिससे उनका सुधार किया जा सकता है, सुधारक कौन कौन से हैं,
जल संचय, जल जल प्रबंधन का कितना बड़ा महत्व है, हरी खाद का कितना बड़ा महत्व है, साथ ही साथ कई सवाल जवाब आए उन पे भी आपने प्रकाश डाला और सारे व्यूअर्स के सारे जो हमारे किसान भाई हैं उनके सवालों का बड़े ही सरलता से प्रखर रूप से आपने जवाब दिया। तो चलते चलते मैं यही चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए, किसान भाइयों के लिए आने वाले खरीफ की जो फसल लगने वाली है, आपकी क्या मार्गदर्शक है, क्या गाइडलाइन है आपकी इस विषय पे आप जरा बताएं। देखिए, जो हमारी खरीफ की फसल है धान, खरीफ में हमारी मुख्यतः धान की फसल है, तो जो हमारे अच्छे खेत हैं, सामान्य खेत हैं, वहां पर हम सामान्य प्रजातियों का प्रयोग करें धान की, चाहे वो हम सुगंधित बासमती धान लगा रहे हों, चाहे मोटे, चाहे हाइब्रिड धान लगा रहे हों, सबके बीजों का उपचार करने के बाद ही हम अपने खेतों में उसकी नर्सरी डालें, और नर्सरी डालने के बाद नर्सरी जो है उसको हमको इतने बढ़ते तापक्रम में बचा के भी रखना है, तो नर्सरी जहां पर आप डाल रहे हैं वहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि दिन में तापमान हमारा बहुत हाई हो जाता है, तो दिन में हम अपनी नर्सरी का पानी काट कर बाहर निकाल दें, क्योंकि जब पानी हमारा उबलेगा तो हमारी जो नर्सरी है उसके पौधे कोमल होते हैं, वो सब हमारे झुलस के खराब हो जाएंगे। तो दिन में आप पानी को काट कर बिल्कुल खेत से बाहर कर दीजिए और शाम को पुनः फिर ठंडा पानी उसमें भर दीजिए। इस प्रक्रिया को तब तक करिए जब तक आपके पौधों का विकास अच्छी प्रकार से न हो। इस तरह से आप अपनी खरीफ की धान की फसल को अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, आपको एक बात करने की आवश्यकता है कि जो भी आप बीज बोएं उसका बीज उपचार करने के बाद ही अपने बीजों को बोएं, क्योंकि बीज उपचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है कि आगे आने वाली हमारी फसल वो कैसी होगी, स्वस्थ होगी। जिस प्रकार से आप अपने परिवार के बच्चों का जब जन्म होता है तो आप पूरा एक टीके का चार्ट बना लेते हैं और उसके आधार पर उनको टीके लगवाते रहते हैं, उसी प्रकार से यदि आप फसल लेने जा रहे हैं तो वो भी आपका एक नन्हा शिशु है, उसको जो भी टीके लगवाने हैं, चाहे बीज उपचार करना हो, चाहे उसको ट्राइकोडर्मा से शोधन करना हो, चाहे रासायनिक दवाओं से उपचार करना हो, वो आप पहले कर लेंगे तो बहुत हद तक उसको रोग बीमारी से आप बचाने में सहायता प्रदान करेंगे। तो बीज उपचार को अवश्य करिए और सुबह पानी काट के बाहर निकाल दीजिए, और जब रोपाई करने जाएं तो उसमें विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है कि सामान्य भूमि में तो आप 20 से 22 दिन की पौध लगाते हैं, लेकिन जो क्षारीय ऊसर भूमि है वहां पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि 35 से 40 दिन की पौध का ही चयन करें, क्योंकि हमको ऊसर भूमि जो हमारी है वहां पर मुलायम पौध नहीं चल पाएगी, वहां पर थोड़ी चरेर पौध हो तो वो ज्यादा अच्छी विकसित होगी। और एक स्थान पर जो सामान्य भूमि में हम एक से दो पौधों की रोपाई करते हैं, क्षारीय ऊसर भूमि में एक स्थान पर 3 से 4 पौध की रोपाई करें, क्योंकि हमारा जो भूमि है वो क्षारीय है, आप मानकर चलिए कि वहां पर आपकी 1 से 2 पौध गल जाएगी, तो वहां पर 3 से 4 पौध की रोपाई करिए। इसके बाद उसमें जो है 3 से 4 पौध प्रयोग करने के बाद दूरी का विशेष ध्यान दीजिए, और रोपाई करते समय आप वहां पर ध्यान दीजिए कि 1 वर्ग मीटर में आपके 65 से 70 गूले या कीले होने चाहिए। उसको आपको देखने के लिए बहुत ही सरल उपाय है कि जो महिलाएं रोपाई करती हैं वहां पर आप एक साइकिल का टायर फेंक दीजिए, तो साइकिल का टायर के अंदर के पौधे गिन लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 65 से 70 अगर उसके अंदर आ रहे हैं तो आपकी जो महिलाएं रोपाई कर रही हैं वो ठीक प्रकार से हो रही है और आपका उत्पादन उससे प्रभावित नहीं होगा। तीसरी बात आती है कि क्षारीय ऊसर भूमि में जो आप गैप फिलिंग की तैयारी जरूर रखें, क्योंकि आप मान के चलिए कि वहां पर आपकी पौध मरेगी जरूर, क्योंकि आपका ऊसर का सुधार पहली बार आप कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ उसी उम्र की पौध कहीं अलग से रखिए कि अगर वहां के पौधे गल जाएं तो वहां पर पुनः आप पौधे उसी आयु के रोपित कर सकें। जी सिद्धार्थ जी, जी डॉक्टर साहब, आपने बताया, एक दूसरी ही चर्चा की ओर आपने रुख कर दिया, आपने संक्षिप्त रूप से बता भी दिया कि आने वाले धान की फसलों में किन किन प्रमुख बातों का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच आए, 25 से 30 लोग हमारे साथ व्यूअर रहे, डॉक्टर सुशील कुमार राय, करुणेश जी, दया श्रीवास्तव जी एवं अन्य जितने भी लोग थे जो भी हमारे साथ आज हमारे साथ जुड़े, हमारे इस लाइव सेशन को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने हमारे बीच आज समय निकाला, इतनी
प्रबल और प्रमुख जानकारी किसान भाइयों को दी। इसके लिए मैं सिद्धार्थ इफो किसान की पूरी टीम की ओर से आपका साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों एवं व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह आज हमारे बीच डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी आए और ये जो एक ऐसा विषय था ऊसर एवं क्षारीय भूमि का सुधार किस तरह से की जा सके ताकि किसान भाइयों को आने वाले समय में जो धान की फसल आ रही है इसमें लाभ मिले तथा नुकसान कम से कम। मिट्टी के ही सपूत हैं, मिट्टी से ही आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा विषय था और मिट्टी की किस तरह से हमें ख्याल रखना है क्योंकि धरती हमारी माता है, इसी विषय को ध्यान पर रखते हुए आज हमने ये लाइव शो आपके साथ किया। आशा करते हैं हमारे साथ जितने भी किसान भाई जुड़े थे आज, ये जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की आपके लिए लाभदायक होंगी आने वाले समय में। आपके जितनी भी कौतूहलता है, सवाल हैं जो हम इस समय लाइव के दौरान नहीं दे पाए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इफको किसान CSR पेज को लाइक करें, अपने प्रश्न डालें और हम उसका 24 घंटे के अंदर जवाब देंगे। इसी के साथ साथ हमारे इफको किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप है, प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड करें और जानकारी के नए आयाम, विविध विविध तकनीकों के बारे में कृषि एवं उससे संबंधित जानकारियां लें, रोजगार, न्यूज, खरीद बिक्री मॉड्यूल, कई चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो भाइयों, अब मुलाकात होगी सोमवार को, मंडे कल लेंगे हम थोड़ा सा विश्राम और मंडे को एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए ज्वलंतशील मुद्दे के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए आज हमारे लाइव शो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।